हम कोई बांग्लादेश हैं क्या? हम तो भारत हैं भाई, हिंदुस्तान है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अल्पसंख्यक के लिए क्या किया मुस्लिम भाई के लिए? तेजस्वी यादव अगर बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक का साथ मिलेगा तो हम सरकार बना लेंगे। अच्छा, जन्म ही नहीं हुआ है उसका, अभी छठी कैसे बनाएंगे? हमारे साथ दिलीप जसवाल जी। दिलीप जी, हमारा एक अलग सवाल है। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो लगातार तरारी सीट को लेकर के मांग कर रही है, हालांकि आपने कहा था जो बैठक हो गया है बातें क्लियर हो गई, बातें फ्लैश करेंगे, लेकिन उनको कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि लगातार वो मांग। देखिए, मैं बताता हूँ, NDA गठबंधन दल में सीट का बंटवारा आपस में सभी लोगों को, किनको कौन सा सीट लड़ना है, ये सारा चीज जो है बैठ करके फैसला होगा। और इस पर जो है आप लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। अभी अपने आप पारस की पार्टी मांग कर रही है, अभी पहले चुनाव का घोषणा तो होने दीजिए। चुनाव का घोषणा ही नहीं हुआ है, बच्चा जन्म ही नहीं हुआ है उसका, अभी छठी कैसे मनाएंगे? क्या उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, सभी को हम आदर करेंगे, सभी को आदर करेंगे, सभी का। राज्यसभा पर उपचुनाव भी होना, इसको लेकर के भी बैठक हुई है? राज्यसभा उपचुनाव के लिए जो है चुनाव समिति की बैठक होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना शुरू से यही तरीका ही है कि पहले प्रदेश जो है चुनाव समिति का बैठक करता है, फिर हम यहाँ से कुछ नाम भेजते हैं, फिर केंद्रीय चुनाव समिति उसको तय करती है। एक सवाल है, तेजस्वी यादव लगातार अपने कार्यालय में बैठक भी किए हैं, उनका कहना है जो अगर अल्पसंख्यकों का साथ मिलेगा तो हम लोग 25 में सरकार बना लेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक का साथ उनका गड़बड़ हो रहा है। तेजस्वी यादव अगर बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक का साथ मिलेगा तो हम सरकार बना लेंगे, आज तक अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने क्या किया है वो बतावें। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितना काम अल्पसंख्यक के लिए हुआ है बिहार में, अल्पसंख्यक भाई अगर उसका गिनती करें कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अल्पसंख्यक के लिए क्या किया मुस्लिम भाई के लिए और नीतीश कुमार जी ने क्या किया, तो पता लग जाएगा। दिलीप जी, ऐसे अच्छे से चुन के आप आते हैं, जो अल्पसंख्यकों का क्षेत्र रहता है वहाँ का वोट भी मिलता है, क्या बीजेपी चाहेगी जो अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़े और वोट जो है? तो मोदी जी का नारा ही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम कोई बांग्लादेश है क्या? हम तो भारत है भाई, हिंदुस्तान है। एक सवाल उन्होंने और ये कहा था, जो नीतीश कुमार उनको छोड़ के चले गए, उनकी भावना जो है व्यक्त हुई थी जो ऐसा नहीं होना चाहिए, पीरा भी उनका बात? नहीं नहीं, नीतीश जी बहुत ही सम्मानित नेता है, उन पर इस तरह की कोई चर्चा करना उचित नहीं है। अच्छा, भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है सर्वे का काम किया जा रहा है, ये कब तक सफल हो जाएगा? नहीं, मैंने कहा कि पहले 1890 में CS सर्वे हुआ था शुरू, करीब 100 वर्षों तक CS सर्वे का रिजल्ट आया था, आज करीब 32 वर्षों से रिविजनल सर्वे चल रहा है। मैंने राजस्व मंत्री पद संभालने के बाद करीब 3 महीने बाद करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन का बहाली किया है और पूरे बिहार के अंदर एरियल सर्वे, हवाई सर्वे मैंने करवा लिया है और अभी 10 दिन बाद दिन रात सर्वे का काम चलेगा और उसका पूरा प्रोसेस है कि मैकिंग होगा, उसके लिए ढोलक बजाए जाएंगे, अखबार में भी रोज निकाला जाएगा, 3 बार अपील करने का मौका मिलेगा LRDC के यहाँ, बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ, एडिशनल कलेक्टर के यहाँ, और फिर इस सर्वे को हम लोग जो है फाइनली पोर्टल पर लोड करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ दिलीप जसवाल जी थे, क्या कुछ कहे उन्होंने वो भी आपने सुना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना जरूर सुनो। पटना आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।